जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मतलब कैसे जाएं, कहां रुकें, कितना खर्चा लगेगा और रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी जो आसपास के मंदिर हैं, मतलब कि कौन कौन से काल भैरव मंदिर है, जैसे हर सिद्धि मंदिर है, वो सारे मंदिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कौन कौन से मंदिर आपको आए हो तो जाना जी, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। तो दोस्तों बात की जाए उज्जैन आने की, तो उज्जैन आने के लिए आपको काफ़ी सारे संसाधन मिल जाएंगे। वैसे तो उज्जैन में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड दोनों ही है, और पास ही में इंदौर भी है, तो इंदौर से काफ़ी सारे साधन आते रहते हैं, मतलब बस वसेस वगैरह बहुत चलते रहती है 15-20 मिनट में। और इंदौर से उज्जैन तक की दूरी की बात की जाए तो 55-60 किलोमीटर दूर है। तो हम खुद इंदौर से जा रहे हैं, अभी हम 7-8 लोग हैं, वहाँ पीछे नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ से लगभग ये इंदौर को गया रास्ता और ये उज्जैन को, यहाँ से लगभग दोनों ही 25-25 किलोमीटर दूरी है। तो फटाफट अभी अपन उज्जैन चलते हैं, वहाँ महाकाल जी के दर्शन करते हैं और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं अभी, पहले तो नाश्ता करके फटाफट। तो बात की जाए उज्जैन में रुकने के लिए, तो उज्जैन में रुकने के लिए काफ़ी सारी आपको होटल्स मिल जाती है। जैसे ही आप उज्जैन में एंटर करते हो, बाहर काफ़ी सारी होटल है जिनका रेंट आपको पड़ता है 700 से 800 रुपये दो लोगों का पर डे के अकॉर्डिंग, मतलब जो कि मुझे बजट में लगा। और उसके बाद हम हमारी आज की फर्स्ट लोकेशन रामघाट पे आ गए। यहाँ पे बढ़िया अपन नहाते धोते हैं और फिर दर्शन करने चलेंगे। हाँ, ये वही जगह है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगता है, वो यहीं पर लगता है। तो पहले अभी अपन यहाँ पे नहाते हैं और फिर चलते हैं महाकाल दर्शन। हाँ, 1, 2, 3 दोस्तों, अभी हमने नहा धोकर महाकाल दर्शन के लिए जा रहे थे, तिलक विलक लगा लिया था। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक बिल्कुल अंदर तक आती है, अंदर बढ़िया पार्किंग वगैरह सब बनाई गई है, वहाँ प्रसाद लीजिए और गाड़ी आपकी फ्री में खड़ी हो जाती है, प्रसाद लेना पड़ता है बस वहाँ से आपको। हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों महाकाल जी के दर्शन तो हमको काफ़ी बढ़िया तरीके से हो गए, मतलब हमने तो ऐसा सोच कर आए थे कि भाई 1.5-2 घंटे लग जाने,
क्योंकि भीड़ इतनी है और आज सोमवार था ऊपर से, हमने सोमवार के दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन उन्होंने रेलिंग ऐसी बनाई कि मतलब ऐसे घूम घूम कर लोग बहुत कम हो गए थे मतलब दर्शन के टाइम, तो हमारे दर्शन तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो गए। अब यहाँ पे जैसे काफ़ी यहाँ पे जैसे प्रसादी वगैरह मिलती है, पैसे देकर आप चढ़ी हुई प्रसादी ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे यहाँ गणेश जी का मंदिर है और ये मंदिर है। तो पहले अभी अपन ये मंदिर चलते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे अपन हरसिद्धि मंदिर और मेन काल भैरव मंदिर भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये सारे मंदिर चलते हैं अभी अपन फटाफट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और मौसम थोड़ा बारिश बारिश का हो रहा है, तो अपने को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी है, तो दर्शन करते हैं अभी। आकाल जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद और उनके वहाँ पे जितने भी मंदिर उनके दर्शन करने के बाद आपको यहीं पर दो मंदिर मिल जाएंगे, एक है ये बड़ा गणेश मंदिर और इधर ही है ये वाले रास्ते पर हरसिद्धि मंदिर। मतलब ये दो मंदिर के लिए आपको कोई भी ऑटो वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दर्शन कर सकते हैं पैदल चलकर वॉकिंग डिस्टेंस पर। इसके अलावा काल भैरव मंदिर बसता है, जो यहाँ आप महाकाल जी के दर्शन कर दो काल भैरव के भी करना ज़रूरी है ऐसा माना जाता है, तो वहाँ दर्शन करने का जो ऑटो वगैरह, जैसे अगर आपके पास गाड़ी रही तो ऑटो वगैरह करके 200-250 में वो ले जाते हैं, तो उससे आप जा सकते हैं। और बाकी अगर आपको पूरी जगह के दर्शन करना है, मतलब जितने भी यहाँ के मंदिर है, वैसे तो आप दिन भर भी घूमोगे तो ख़त्म नहीं होने, लेकिन एक जो मेन मेन लिस्ट है इनकी, उन्हीं जगह के दर्शन करना है तो ऑटो वगैरह उनके पास लिस्ट रहती है जिनका 500-600 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग उनका बजट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ कर कर भी बाकी जगह के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी अपन ये दोनों मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर चलेंगे अपन लास्ट में काल भैरव मंदिर। तो आप ये जो देख रहे हैं ये दियो का है, मतलब इस पे पूरे ये जितने भी ये दिख रहे हैं यहाँ पे सभी जगह दिए लगा दिए जाते हैं। और एक और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे ये पीछे हॉल बना रखा है, मतलब यहाँ पे आप रुक सकते हो, सो सकते हो, बैठ सकते हो, मतलब काफ़ी बढ़िया जगह है जिसका आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं अभी। तो दोस्तों काल भैरव मंदिर के दूरी की बात करें तो मेन मंदिर मतलब जो महाकाल मंदिर है वहाँ से 7-8 किलोमीटर के लगभग में, वो डिपेंड करता है आप किस रास्ते से आ रहे हो, सभी मतलब टू व्हीलर फोर व्हीलरों का सभी का रास्ता अलग है। और एक चीज़ और मेन यहाँ पे जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, ऐसी लोगों की मान्यता है, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर, तो ऐसा लोगों की मान्यता है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा खरीदते हुए। अभी भीड़ तो भाई साहब, ये तो अभी मंदिर के बाहर ही इतनी भीड़ है, अंदर देख रहे हैं तो अंदर ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। Hey!
तो दोस्तों लगभग हमने सारे ही मंदिर कवर कर चुके थे। आपको खाने का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, खाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है खाने के लिए। और लगभग मैंने सारी जगह का आपको बता दिया। एक भस्म आरती का बता देता हूँ, भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, मंदिर में एक दिन पहले वहाँ पर बुकिंग होती है और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली, आने जाने, खाने पीने, रुकने, सभी से रिलेटेड। अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। और एक बात और, जैसे मंदिर तो काफ़ी सारे हैं, मतलब आप घूमोगे तो ख़त्म ही नहीं होंगे इतने सारे मंदिर, क्योंकि सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है उज्जैन को, तो मंदिर तो ख़त्म होने वाले नहीं उज्जैन में अगर घूमोगे आप। तो ऑटो वगैरह, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन कि देखिए ऑटो मैजिक चलते रहते हैं जो कि आपको 500 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग घुमाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। रुकने के लिए होटल वगैरह मिली जाती है आपको 700-800 के लगभग में, खाना आपका एक टाइम का 100 से 150-200, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का खाना लेते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और अभी तक यहाँ तक आ गए हो तो कॉमेंट में सिर्फ जय श्री महाकाल लिख देना। बाय बाय, जय श्री महाकाल।